ग्रेटर नोएडा में पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पुलिस ने अलग अलग जगह 25,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दादरी कोतवाली क्षेत्र में हुई बीजेपी कार्यकर्ता धर्मी की हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश भूपेंद्र कपासिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की, जबकि इनामी बदमाश के बाकी साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है और वर्तमान में और दूसरी वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ है। देखिए, थाना साइट 5 पुलिस की टीम द्वारा एक 25,000 के इनामिया भूपेंद्र कपासिया की गिरफ्तारी आज की गई है। इस संबंध में थाना दादरी में एक मुकदमा पंजीकृत है अपहरण करके हत्या का। एक बहुत ही जो है दुस्साहसिक वारदात हुई थी, धर्मी हत्याकांड, उसी में ये अभियुक्त जो है वांछित चल रहा था, जिसपे 25,000 का इनाम घोषित कराया गया था। इस संबंध में जो इसके शेष अभियुक्त थे, इनकी गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है पुलिस द्वारा। अभी तक इसमें दो अभी गिरफ्तारियां इसमें होना शेष है। उधर ग्रेटर नोएडा बीटा 2 थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी गैंगस्टर वांछित चल रहा था, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, जिसके चलते बदमाश पर कासना कोतवाली पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए बदमाश का नाम सुनील है, जिस पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बदमाशों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही साथी बदमाशों की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। पंजाब की केसरी टीवी के लिए ग्रेटर नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट। देखिए, बीटा 2 थाने की पुलिस टीम द्वारा एक 25,000 के इनामिया सुनील की गिरफ्तारी आज की गई है। ये थाने से गैंगस्टर का वांछित था और पिछले 2 साल से ये फरार था। इस पे इसलिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और गैंगस्टर में हमारे यहाँ से वांछित था। इस पे पूर्व में भी जो है मुकदमे हैं। मूलतः यह मेरठ का रहने वाला है और इस पे डकैती का और हत्या के प्रयास का धोखाधड़ी के पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें ये जेल जा चुका है। कहाँ का रहने वाला सर?